नमस्कार, मैं हूं सपना शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। थोड़ी ही देर में शुरू होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, तो बड़ी जानकारी देखिए हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ये बैठक लेंगे, तो बड़ी जानकारी देखिए हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आज ये अहम बैठक होने जा रही है दिल्ली में, जहां लीडर हुड्डा और इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी देखिए हम आपको दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बड़ी जानकारी, कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक होगी, जहां पर देखिए तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक को लेंगे और इसमें कई प्रमुख लीडर मौजूद रहेंगे। तो संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, देखिए अहम बैठक ये है और ऐसे में क्या कुछ इस बैठक के बारे में जानकारी विस्तार से बताइए। निश्चित तौर पर देखिए, आज बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं केशव वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उनके अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। सभी विधायक जो कांग्रेस के हैं, उन तमाम विधायकों को बुलाया गया है, लेकिन जो कुलदीप बिश्नोई हैं वो नाराज चल रहे हैं और इससे पहले भी कई बैठकों में शामिल नहीं है, तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि वो इस बैठक में नहीं हो सकते। हालांकि सभी विधायकों को बुलाया गया है और इसमें राज्यसभा चुनाव से को लेकर यह बैठक है, और राज्यसभा चुनाव में किस तरह से सभी कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर वोट करें, इसी को लेकर आश्वस्तता दिलाई जाएगी और वहां पे वो आश्वस्त होंगे कांग्रेस आला कमान हाई कमान की सभी कांग्रेस के विधायक एक साथ है। किसी की कोई शिकायत है तो निश्चित तौर पे वो भी वहां पे वो विधायक रख सकते हैं, और इसी संदर्भ में यह बैठक अब से थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि शुरू होगी ये बैठक। और कई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, वो भी मौजूद रहेंगे, साथ ही जो प्रदेश के प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और इसके बाद जो सीएलपी लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि इसके बाद एक और बैठक मानी जा रही है कि 3 बजे के आसपास एक और बैठक होगी, और उस बैठक का नेतृत्व विवेक बंसल जो प्रदेश प्रभारी हैं वो करेंगे, और उसके बाद निश्चित तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जहां भी इनको ले जाना है रखने के लिए एक साथ, तो वहां ये लोग जा सकते हैं। बिल्कुल सुशील, और देखिए जिस तरीके से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो विधायक है उनमें मतलब खरीद फरोख्त वहां पर हो सकती है, और इसी के शायद मद्देनजर रखते हुए अब आला कमान पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और तमाम विधायकों को वो बुला चुके हैं, और साथ ही साथ देखिए 5 जोड़ी कपड़े के साथ बुलाया है, इसके क्या कुछ मायने माने जाए? निश्चित तौर पर देखिए, ये अमूमन जब भी चुनाव ऐसे होते हैं तो उसमें जो हॉर्स ट्रेडिंग है, खरीद फरोख्त है या बेड़ेबंदी अमूमन की होती हैं, और सभी पार्टियां लगभग करती हैं जिन्हें खतरा होता है कि उनके विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, उनकी विधायकों में सेंधमारी हो सकती है, दूसरे जो पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको अपने कब्जे में ले सकते हैं या उनके साथ उनको खरीद सकते हैं, तो निश्चित तौर पर एक पकड़ की बात की जाती है। और सभी जितने विधायक होते हैं उस पार्टी के, उनको एकजुट कैसे रखा जाए और वे कहीं एब्सेंट ना हो या क्रॉस वोटिंग ना करें, इसको लेकर एक साथ रखने की तैयारी होती है। पहली बार ये नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुकी है, और अमूमन उसी रणनीति के तहत आज यह करने की योजना है, और यही वजह साफ साफ माना जा रहा है कि इनको लेकर पहले राजस्थान की बात की जा रही थी कि सभी विधायकों को राजस्थान ले जाया जाएगा, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इन्हें रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वहां ले जाया जाएगा, चूंकि छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की है और कहीं ना कहीं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो भी इसमें काफी माहिर, इस रणनीति में काफी माहिर माने जाते हैं कि किस तरह से सभी विधायकों को एकजुट रखा जाए, उनकी सारी नाराजगियां दूर की जाए और उनके साथ किस तरह काम किया जाए। जी बिल्कुल, तमाम नाराजगी भी इस वक्त चल रही है और किसी भी तरीके से लापरवाही के मूड पे इस वक्त कांग्रेस और आला कमान नहीं है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर भूपेंद्र हुड्डा की साख दांव पर लगी हुई है। विधानसभा के अंक गणित पर गौर करें तो राज्यसभा की 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तय है, लेकिन दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के बीच मुकाबला होने जा रहा है। कार्तिकेय समर्थक विधायकों की ओर से अजय माकन को बाहरी बताया जा रहा है। उधर कांग्रेस के 31 विधायकों में से एक कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी के अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि 3 विधायक पार्टी के बाहरी उम्मीदवार से नाराज हैं।
ऐसे में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा की इस अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगे? पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। राज्य की दो सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने कांग्रेस को चौकन्ना कर दिया है। तीसरा उम्मीदवार होने की वजह से अब 10 जून को चुनाव भी होंगे। फिलहाल कांग्रेस ने अपने सभी 31 विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया है। ऐसे में अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। उनको 5 जोड़ी कपड़े भी साथ में लाने के लिए कहा गया है। ऐसे में अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ या राजस्थान में भारत भ्रमण पर ले जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं। खबर ये भी है कि सैलजा समर्थक कुछ विधायक भारत भ्रमण पर जाने के इच्छुक नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमान के आदेश के आगे इन विधायकों की कुछ भी नहीं चलने वाली है। दिल्ली में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल इन विधायकों के साथ संवाद करेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले पूर्व मंत्री कृष्ण लाल पवार को कैंडिडेट बनाया गया है। चुनाव की गंभीरता देखते हुए बीजेपी ने भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। विधानसभा के अंकगणित पर गौर करें तो राज्यसभा की दो सीटों में से एक पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तो तय है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के बीच मुकाबला होगा। कार्तिकेय समर्थक विधायकों की ओर से माकन को भारी बताया जा रहा है। कांग्रेस के 31 विधायक हैं, इनमें से एक कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी के अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि 3 विधायक पार्टी के भारी उम्मीदवार से नाराज हैं। इसके अलावा 3 विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के कहे मुताबिक ही वोट करेंगे। सैलजा फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज चल रही है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अजय माकन से दोस्ती है, इसलिए उनके समर्थक तीनों विधायक आज दिल्ली पहुँच रहे हैं। कांग्रेस को अपना उम्मीदवार जिताने के लिए 31 विधायक चाहिए। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी की वजह से कांग्रेस की नज़र महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर टिकी हुई है। कुंडू ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखना होगा कि हुड्डा इस अग्नि परीक्षा में कैसे सफल हो पाते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए बहादुरगढ़ से भी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। एचएल सिटी के डायरेक्टर के घर पर आयकर विभाग का छापा इस वक्त चल रहा है। बुधवार सुबह 7 बजे से ही ये छापेमारी जारी है। आयकर विभाग के करीब 30 सदस्यी इस रेड में शामिल हैं और इसके साथ ही रियल एस्टेट फर्म है एचएल सिटी। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दिन भर ये छापेमारी रह सकती है, इस बारे में भी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आज दिन भर छापेमारी रह सकती है। और देखिए टीमें लगातार यहां छापेमारी कर रही है। बहादुरगढ़ का ही पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। यहां एचएल सिटी के डायरेक्टर के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। सुबह 7 बजे से टीम पहुंच गई थी और उसके बाद ये लगातार छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है 30 सदस्यी इस रेड में शामिल है और एयर स्टेट फर्म है ये एचएल सिटी। आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, आज दिन भर ये छापेमारी रह सकती है। तो देखिए एक और जानकारी आपको बड़ी दे देते हैं। फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। स्कूल में पढ़ने वाली 3 छात्राएं लापता हो चुकी है। स्कूल जाने के लिए घर से ये छात्राएं निकली थी, 3 दिन से नहीं मिला है कोई सुराग। पुलिस से दर्ज की गुमशुदगी की रिपोर्ट। तीनों छात्रों की
तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। सरकारी स्कूल में ये तीनों छात्राएं पढ़ती थी, तो बड़ी जानकारी और देखिए बड़ी लापरवाही भी यहां सामने आ जाती है। अब फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और लगातार तीनों छात्रों की तलाश में पुलिस इस वक्त जुट गई है। तो बड़ी जानकारी, सरकारी स्कूल में ये तीनों छात्राएं पढ़ती थी और जानकारी ये मिल रही है कि फतेहाबाद में इस दौरान ये तीनों छात्राएं लापता हो गई। हालांकि स्कूल में पढ़ने वाली ये तीनों छात्राएं लापता बताई जा रही हैं, जिसका पुलिस अब पूरे मामले की तहकीकात में लगे हुए हैं। घर से ये निकली थी और इसके बाद इनका कोई भी सुराग नहीं मिल सका। तो अजय मेहता संवाददाता हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? पुलिस की कार्रवाई कितनी आगे तक गई? सपना, देखिए ये जो मामला है फतेहाबाद का है, तीनों छात्राएं जो हैं नाबालिग हैं और एक सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, पर दो दिन पहले जो है ये सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी और स्कूल भी नहीं पहुंची। छुट्टी के वक्त जब घर नहीं पहुंची छात्राएं, तो परिजनों ने स्कूल में जाके पता किया, तो वहां उन्हें पता चला कि छात्राएं, तीनों छात्राएं जो हैं स्कूल भी नहीं पहुंची हैं। उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी गई। अभी पुलिस का कहना है कि तीनों छात्राओं की तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी तक जो है पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शीघ्र ही जो है तीनों छात्राओं तक पहुंच जाएंगी और तीनों को जो है बरामद कर लिया जाएगा। जी अजय, क्या आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज जिसको बरामद किया गया हो, पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी और परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए तीन दिन से ये छात्राएं गायब है और कहीं इनका पता नहीं लगाया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना है परिजनों का? देखिए, जहां तक सीसीटीवी फुटेज की बात है, पुलिस अपने स्तर पर यह प्रयास कर रही है कि कहीं से इनका ऐसा कोई फुटेज मिल पाए जहां से इनकी आवाज ही नजर आ रही हो, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। वहीं जो परिजन हैं, परिजनों का कहना है कि कहीं भी उनसे कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई मनमुटाव नहीं था, किसी प्रकार का कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी जिससे नाराजगी नजर आती हो छात्राओं के बीच में, लेकिन जो है किसी प्रकार का एक जो विवाद भी नजर नहीं आया। हालांकि एक बताया जा रहा है कि एक छात्रा जो है कुछ पैसे और कुछ दस्तावेज कोई पहचान पत्र टाइप में साथ लेकर गई है। अब ऐसे में पुलिस के सामने ये भी समस्या है क्योंकि किसी प्रकार का सुराग घर ना तो परिवार वाले दे पा रहे हैं और ना बाहर से कोई सुराग मिल पा रहा है। तीन दिन से छात्राएं लापता हैं, एक जो है ये बड़ी टेंशन का विषय स्कूल प्रशासन के लिए भी और परिजनों के लिए भी बनी हुई है। जी बिल्कुल अजय, और देखिए एक तरीके से ये तीनों छात्राएं क्योंकि स्कूल जा रही थी उस दौरान ये कुछ हुआ, एक बार डिटेल में बताइए कि क्या कुछ हुआ था उस दिन और उसके बाद कैसे परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई और क्या कुछ देखे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया, एक बार दर्शकों को पूरी चीजें बताइए। सपना, देखिए पूरा मामला दो दिन पहले का है, जब छात्राएं सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी, जिनमें दो छात्राएं भाटिया कॉलोनी फतेहाबाद की बताई जा रही हैं, जबकि एक छात्रा जो ठक्कर बस्ती की बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो छात्राएं हैं तीनों सुबह एक साथ मिली हैं और तीनों स्कूल जाने के लिए निकली हैं, उसके बाद जो स्कूल नहीं पहुंची हैं। जब छुट्टी के वक्त स्कूल से बच्चे वापस नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई थी। परिजन स्कूल जाकर के पता किया परिजनों ने, तो वहां ये भी पता चला कि छात्राएं स्कूल नहीं पहुंची हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा है। हड़कंप मचने के बाद जो पुलिस को सूचना दी गई है, फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 72 घंटे होने वाले हैं इस पूरी घटना को, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बिल्कुल अजय, और ऐसे में देखिए साफ तौर पर पुलिस की भी लापरवाही सामने आ जाती है, क्योंकि अगर तीन दिन पहले एफआईआर दर्ज कराई जाती है और अभी तक कोई सुराग नहीं लगता है, तो ऐसे में बड़ी लापरवाही इस वक्त पुलिस की भी साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है। 72 घंटे बीत जाना, छात्राओं का नाबालिग होना और उसके बाद कोई पता, किसी चीज का पता ना चलना, तो कहीं ना कहीं ये एक इसको लापरवाही कहें, या ऐसा जैसे पुलिस का ये कहना है कि उनके पास किसी प्रकार का कोई सुराग भी नहीं, परिजन नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक जो है एक बड़ी परेशानी का विषय यहाँ बना हुआ है। क्योंकि बहुत सारी चीजें इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि एक बच्चों का किडनैप ना हुआ हो, या अपनी मर्जी से ना गए हों, या किस प्रकार से जो ये पूरी वारदात हुई है, इसका अभी तक किसी प्रकार की कोई ना तो परिजन बता रहे हैं ना पुलिस के पास कोई जवाब है। जी बिल्कुल, अब अजय देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले पर जानकारी निकल कर सामने आती है, आप भी नजर बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो सोनीपत से भी आपको बड़ी खबर बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से सामने आ रही है। ठेकेदार की लापरवाही इस वक्त साफ तौर पर देखी जा रही है, सामने आई है। मैलाना रोड पर खोदा गया गहरा गड्ढा, 20 फुट
गहरे गड्ढे में दो बाइक सवार गिर गए और एक को मामूली चोट आई है जबकि दूसरे की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और इसके साथ स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। तो बड़ी जानकारी देखिए हम आपको बता रहे हैं जहां स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच गई है। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ा गड्ढा और सोनीपत का पूरा मामला ठेकेदार की लापरवाही इस वक्त साफ तौर पर देखी गई सामने आई है जहां पर गहरे गड्ढे होने के चलते बाइक सवार वहां गिर गया। बताया जा रहा है एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। 20 फुट गहरे गड्ढे में दो बाइक सवार गिर गए और कोई बैरिकेटिंग वहां नहीं की गई जिसके चलते ये हादसा हुआ। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं और यहां पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में 6-7 शूटर्स में से कुछ की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मनप्रीत भाऊ नाम के एक शख्स समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाऊ पर शूटरों की आपको बता दें कि गाड़ियां मुहैया कराने का इल्जाम भी लगा था कि उन्होंने गाड़ियां मुहैया कराई और इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी भी अब साफ तौर पर सामने आ गई है। पुलिस के मुताबिक सिद्धू की हत्या की साजिश कई महीने पहले ही रची गई थी। 26 मई को शूटर मनसा पहुंच गए थे और सिद्धू मूसेवाला के घर की रैकी कर रहे थे और 29 मई को सिद्धू पर 6-7 शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस बीच सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। कुख्यात गैंगस्टर सराज सिंह उर्फ मिंटू अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर अब गिरफ्तार किया गया है। तो वही ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी सोनिया से 8 जून को पूछताछ करेगी जबकि राहुल को आज यानी गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है लेकिन राहुल गांधी इस समय देश में नहीं है। उन्होंने जांच एजेंसी से 5 जून के बाद कभी भी पेश की तारीख रखने का आग्रह किया है। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आज फिर ब्रिटिश शासन का समर्थन करने वाली विचारधारा स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज को दबाने की साजिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साजिश के मुखिया है और इसे लागू करने के लिए उनका पसंदीदा और पालतू हथियार ईडी है। तो देखिए ईडी ने समन भेजा है। हालांकि राहुल गांधी आज नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो विदेश में है। इस बीच राहुल गांधी ने कहा है कि वो 5 तारीख के बाद कभी भी ईडी में शामिल हो सकते हैं लेकिन अब इस पर सियासत बवाल शुरू हो चुकी है। रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर बीजेपी पर हमला किया है और उन्होंने कहा है बीजेपी किसी भी कीमत पर झुकने वालों में से नहीं है। ग्वारा बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर यूनियन के सदस्यों से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। यह अभियान 3 दिन तक जारी रहेगा। इस अभियान के दौरान रोडवेज कर्मचारी रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं इससे कि यात्रियों को फायदा हो सकेगा और इस अभियान के दौरान यूनियन के नेताओं ने बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों से हस्ताक्षर करवाए हैं ताकि सरकारी बसों के आपको बता दें कि बढ़ाया जा सके और प्राइवेट बसों की भर्ती मनमानी पर रोक लगाई जा सके। देखिए बड़ी जानकारी आपको हस्ताक्षर अभियान ये चलाया गया और इस दौरान देखिए 3 दिन तक यह अभियान जारी रहेगा इसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। कम से 1 लाख
साथियों ने साइन कर दिए हैं यहाँ पे। और हमारी मुख्य मांग, एक तो सरकार हमारे महकमे में जो बसें लेकर आ रही है किलोमीटर स्कीम की, उन तक एक्सीडेंट भी ज्यादा बढ़ गए हैं, ट्रेन ड्राइवर आ रहे हैं उन पर इस तरह हो रहे हैं। एक हमारे जो कर्मचारी भर्ती कर रही है वो पोर्टल के तहत, उसमें कर्मचारियों को ज्यादा नुकसान है, 15,000 रुपये सैलरी दे रही है और उसमें कर्मचारियों के साथ अनदेखा करेगी। आगे का भविष्य है जो हमारे नई पीढ़ी आ रही है उनका भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा, सरकार इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही। देखिए सरकारी बसों की संख्या इस वक्त बढ़ाई गई है, बताया जा रहा है कि हस्ताक्षर अभियान 3 दिन तक यह अभियान जारी रहेगा। गोहाना का ये देखिए पूरा मामला, सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर यह हस्ताक्षर अभियान शुरू हो रहा है। तो सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है, लिहाजा इसके लिए छात्रों को किताबी शिक्षा के अलावा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए, आपको बता दें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए टैब बांटे जा रहे हैं ताकि छात्रों को घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस दी जाए। लेकिन फतेहाबाद में जितनी टैब छात्रों को बांटी जाती थी अभी तक नहीं बांटी गई है। इस योजनाओं का फतेहाबाद में क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। फतेहाबाद में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर एक बार फिर से अव्यवस्था हावी रही। सरकार की योजना थी कि स्कूलों में समर वैकेशन से पहले 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को टैब दे दिए जाएं ताकि इन छुट्टियों में बच्चों की ऑनलाइन क्लास शुरू हो सके, मगर स्कूलों में जितनी टैब वितरित होनी थी वो नहीं हो पाई और न ही इन टैब में इंटरनेट एक्टिव सिम डाले गए हैं। वही शिक्षा अधिकारी की भी अपनी दलील है, अधिकारी कह रहे हैं कि वो एक वीक में ही सभी छात्रों तक टैब पहुंचा देंगे। योजना तो हमारी 31 मई तक थी, लेकिन सिम कार्ड जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एयरटेल ने और जियो ने, उनके मैन पावर की कमी के कारण अभी थोड़ा एक वीक और लगेगा पूरा टैबलेट वितरण में। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जैसे 151 स्कूल है तो 6-7 स्कूल हमारे कवर हो चुके हैं और 1500 कुछ टैबलेट्स हमने बच्चों को सिम कार्ड एक्टिवेट करके दे चुके हैं और बाकी सभी टैबलेट्स जो हमारे 18,000 कुछ 600 के करीब हमारे यहाँ पहुँची थी, हमने सभी स्कूल्स में जितने जितने स्कूल की रिक्वायरमेंट बनती थी उसके अनुसार स्कूलों में भिजवा दी गई है और स्कूल हेड के पास वो सुरक्षित है। और स्कूल हेड्स ने जो इन्फॉर्मेशन बच्चों के सिम एक्टिवेशन बारे एकत्रित की जानी थी वो एकत्रित करके हमने हेडक्वार्टर भेज दी है और रेगुलरली अब जो है 8-10 स्कूल रोजाना सिम की कंपनी द्वारा जो है टारगेट किए जा रहे हैं और होपफुली इस वीक में 100% हम बच्चों के हाथ में सिम एक्टिवेशन के बाद टेबलेट थमा देंगे। वही शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो सरकार की ओर से जो टैब उन्हें दिए गए हैं उन्हें संबंधित स्कूलों तक तो भेज दिया गया है, मगर सिम एक्टिवेट न होने के कारण बच्चों को नहीं दिए गए। उम्मीद है एक सप्ताह के भीतर ही सभी बच्चों को एक्टिवेटेड टैब दे दिए जाएंगे और टीचर्स को भी ट्रेनिंग देकर बच्चों की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। कक्षा लगेगी लेकिन अभी एक वीक में ये जो ही सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारे 35 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने गुड़गांव पंचकुला में ट्रेनिंग ली हुई है, मास्टर ट्रेनर हैं, वो एक दिन हमारे सभी जो PGTs 10वीं और 12वीं पढ़ाने वाले हैं उनकी क्लस्टर लेवल पर ट्रेनिंग कर लेंगे या ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग कर लेंगे और जो कि 2-4 घंटे की ट्रेनिंग है, उसके बाद वो बच्चों को इस बारे में एक्टिवेट कर देंगे और एक दिन बुला के बच्चों को स्कूल में और फिर ऑनलाइन स्टडीज में टैबलेट के बेस चलेगी। अब ऐसे में जब योजनाओं पर अव्यवस्थाएं पूरी तरह से हावी हों तो योजनाएं कैसे कामयाब होंगी। फतेहाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए अजय मेहता की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए एसटीवी हरियाणा के साथ। नमस्कार।